नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार है। आप ये वीडियो देख रहे हैं आनंद जी मास्टर चैनल पे गाइस, और बेल आइकन को मैं ऑल क्लिक कर लेटेस्ट एंड टेक्नोलॉजी वीडियो देखिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में, जो कि गाइस मल्टीपल विंडोज यूज कर सकते हैं आप लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। तो गाइस बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम थी और बहुत सारे कमेंट्स आई थी मेरे पास, और मैं अनदर वीडियोस पे भी देखा था कि हम एक सिस्टम में कैसे विंडोज इंस्टॉल करें। गाइस जो वो तरीका बताते हैं मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा कि आप पूरे सिस्टम से अपने छेड़छानी करते हैं, सी ड्राइव से उसमें आप डबल डबल विंडोज इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस वो तो इम्पॉसिबल, गाइस पॉसिबल है बट इम्पॉसिबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके डेटा जाने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है सी ड्राइव के। तो गाइस मैंने एक बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें है गाइस एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उसमें 50 विंडो एक साथ चला सकते हो, वो भी अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रख के। जरूरी नहीं है कि आपको लोकली ड्राइव में विंडोज रखनी है वो, या कोई अनदर किसी में भी। गाइस आप चाहें तो अपनी लिमिट को कम करके पैन ड्राइव में भी विंडो रख सकते हैं, आप पैन ड्राइव लगाएंगे तभी वो विंडो रन करेगी, अनदर नहीं करेगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, क्या है सॉफ्टवेयर, किस तरीके से आपको वर्चुअल मशीन एक्टिवेट करनी है, और किस तरीके से आप अपना वर्चुअल विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 कंटिन्यू वीडियो सीरीज आने वाली है। गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए सोशल मीडिया हैंडल पे, ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। और गाइस बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन कैसे करना है आपको ये वर्चुअल मशीन पे वर्क। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे VMware वर्क स्टेशन पर कि कैसे विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी विंडो 10 ऑलरेडी तली हुई है बट ये प्राइवेट विंडो होगी जो कि किसी को मालूम नहीं होगी। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको VMware खोलना है, एंड ये खोलने के बाद आपकी विंडो 7 मेरी प्रीवियस वीडियो तली हुई है गाइस ऑलरेडी, चैनल पे आपने नहीं देखे तो देखिए कि विंडो 7 कैसे इंस्टॉल करिए, और मैं आपको दोनों विंडो रन करके भी दिखाऊंगा। बट आपको विंडो 7 का इंस्टॉलेशन देखना है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, और यहाँ पे लिंक भी आ रहा है तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और इसे हम कैंसिल करते हैं क्योंकि आज जो सेशन है हमारा ओपन नहीं करेंगे वर्चुअल मशीन एंड क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। तो गाइस सबसे पहले क्रिएट पे जाना है, और यहाँ पे मांग रहा है इंस्टॉलेशन डिस्क इमेज ISO। तो गाइस हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो यहाँ पे ये डेटा रिकवरी में आ गया PC वर्क में आ गया हमारे विंडो 10, एंड तो हमारी दो विंडो हैं तो हम ये विंडो प्रो करेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे और यहाँ पे जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ओके वर्जन आ जाएगा हमारा विंडो 10, ओके अनदर पार्ट। तो गाइस हम क्रिएट करना पड़ेगी, तो यहाँ पे हम डालते हैं विंडो 10 विंडोज 10 वर्क फ्रॉम होम। गाइस हमने यहाँ पे क्रिएट करी है, और यहाँ पे हम जाएंगे लोकेशन चेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें PC पे जाना है, और ये आ गया वर्क फ्रॉम होम। तो यहाँ पे क्रिएट करके नेक्स्ट, और यहाँ से 64 बाइट हटा देंगे। चाहे तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि पर्सनल, पर्सनल वन, पर्सनल टू, एंड 60 GB ही देंगे इस बार भी, और यहाँ पे फिनिश। तो गाइस अब हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट होने पर आ गई है, और डायरेक्टली अब हम पावर ऑन करेंगे क्योंकि विंडो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा। और यस आई फिनिश, यहाँ पे मुझे क्लिक कर देनी है कोई भी, और तो गाइस अब विंडो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, और हम इसे ले लेंगे फुल स्क्रीन पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा वर्चुअल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज रखेंगे इंग्लिश नेक्स्ट। और आपको विंडो चाहिए हो तो विंडो लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको इजीली, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो की। यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है, जो कि गाइस नॉर्मली होता है, जिसे मालूम हो वो स्किप करके आगे बढ़ सकता है इस छोटे से पार्ट को। और ये हमारी 60 GB ड्राइव है, और एक और वीडियो आने वाली है विंडो 8 के ऊपर, और एक और आएगी विंडो 98। गाइस ये तीन विंडो आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएंगे, ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है गेटिंग अ फाइल, बट मैं इसे आपको शॉर्ट में दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं रीस्टार्टिंग पे चला गया है,
तो यहाँ पे विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाला है हमारा, एंड एक तरीके से विंडो 10 रीस्टार्ट हो गई। बट आप देख सकते हैं इसमें हम जाएं तो यहाँ पे हम आ गए, तो हमारी विंडो 10 जो चल रही है वो प्रॉपर चल रही है, जिसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सब कुछ सिस्टम जो है फर्स्ट क्लास चल रहा है, एंड और हम जो यूज कर रहे हैं वो विंडो 10 यूज कर रहे हैं इस टाइम। यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट हो रही है, सेटिंग कंप्लीट होने के बाद हम इजीली यूज कर पाएंगे मल्टीपल विंडोज एट अ टाइम ऑन वन पीसी। तो यहाँ पे विंडो 10 प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा इजी नहीं होता एज कंपेरिजन टू प्रीवियस विंडोज। ऑल्सो इसमें आपको मिल जाती है विंडो 10, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको भी विंडो 10 प्लस विंडो 7, ऑलरेडी हमारी विंडो 10 चल रही है, तीन विंडो एट अ टाइम में रन करके भी दिखाऊंगा अभी, बट आपको रुकना पड़ेगा वीडियो के साथ, बने रहना पड़ेगा। आई हैव नॉट इंटरनेट, यहाँ पे कनेक्टेड करने के लिए नहीं कह रहा है, तो करेंगे कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। एंड यहाँ पे नेम डालने के लिए आनंद, नेक्स्ट करना है, पासवर्ड में डाल देना है कुछ भी, मैं कम से कम एक ही पासवर्ड रखा हुआ सारी विंडो का। गाइस ये आ गया हमारा विंडो 10 का, एंड यहाँ पे कुछ ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं। एंड यहाँ पे अभी चल रही है, यहाँ पे हम सेटिंग कर लेते हैं तब का। यहाँ पे हम देखेंगे विजुअल तो सही दिखा रहा है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके सेटिंग टू टास्क बार, एंड यहाँ पे लिखा रहा होगा स्मॉल आइकन, यस यहाँ पे करेंगे नेट कनेक्ट टू द इंटरनेट, सेटिंग पे जाएंगे एंड ट्रबल शूट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल अभी हमारा ऊपर भी नेट कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे नेट कनेक्ट करेंगे साथ में, वाईफाई ऑन करा, ये हमारी एक्चुअल विंडो में भी नेट कनेक्ट नहीं था, नेट कनेक्ट नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे हो गया नेट। तो बहुत ही इजी स्टेप है, थोड़े से आइकॉन ढूंढ लेते हैं और यहाँ पे थीम सेटिंग में जाएंगे, थीम सेटिंग में जाएं या डार्क मोड पे आइकॉन मोड आ जाता है। यू नीड टू एक्टिवेट विंडोज, तो आपको विंडो एक्टिवेट करना पड़ेगी, लेफ्ट क्लिक पे कुछ यहाँ पे आ रहा है एक्टिवेट विंडोज एंड ऑफिस, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आई होप एमएस ऑफिस इन बिल्ड होगा, आपको बता रहा था मैं, यहाँ पे विंडो एक्टिवेट हो रही है। विंडो एक्टिवेट हो रही है इसी के साथ हमें जो भी हमारी पर्सनल आइकॉन है हम तब तक वो देख लेते हैं। इसमें नहीं मिलेंगे, इसके वाले में मिलेंगे, विंडो इज एक्टिवेट एंड रिच है, हमें आ जाता है। नहीं आता है शायद, यहाँ पे लमसम हमें सारे आइकॉन अपने मिल गए हैं, यहाँ पे दिखा दिया है एमएस ऑफिस भी एक्टिवेट हो गया है, विंडोज एक्टिवेट एंड रिप्लेस एनी की, यहाँ पे हमारी विंडोज एक्टिवेट हो चुकी है, उसे देख लेते हैं प्रॉपर्टी में जाकर। यहाँ पे दिखा रहा है विंडो इज एक्टिवेटेड, एंड यहाँ पे अब हम नॉर्मली जो चीज़ें यूज कर पाते हैं सब यूज कर पाएंगे। आपको ड्राइव दिखा दो उससे पहले, मैं यहाँ पे ये दिखा रहा है ड्राइव, इसे एग्जिट मार देंगे, चेक कर देंगे यहाँ से, एंड यहाँ पे हमारी लमसम हार्ड ड्राइव फुल हो गई है विंडो 10 को इंस्टॉल करने में। और इसी के साथ आपको कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करके दिखा दिया जाए, जैसे कि क्रोम यहाँ पे डालेंगे, वो
पे आ गया गूगल क्रोम डाउनलोड एंड यहाँ पे इसमें आप नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं जो भी चाहें, क्योंकि तब तक आप इसे परमिशन नहीं देंगे ओपन होने की विंडो को वीएमवेयर वर्क स्टेशन पे, तब तक की विंडो किसी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। आप तब चाहें तभी आप इसे यूज कर पाएंगे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया है एंड यस कहें तो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रोम का ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए बेसिक नीड में क्रोम में दिखाता हूँ आपको एंड वेट फॉर डाउनलोडिंग। एंड गाइस ये ऑप्शन जो है एक्टिवेट का हमेशा रहेगा और यहाँ पे 10 से 20 सेकंड और फिर आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे गाइस कुछ और सेटिंग जैसे कि मैं बताऊँ कि माइक्रोसॉफ्ट पे आप डायरेक्टली आप अकाउंट भी एक्टिवेट कर सकते हैं, एक तरीके से जेन्युइन पार्ट है ये विंडो का, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एंड यहाँ पे आप लमसम सारे कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि मुझे पर्सनल व्हाट्सएप यूज़ करनी है, क्लाउड यूज़ करना, नेटफ्लिक्स यूज़ करना, बट गाइस इस पर सबको आपको जेन्युइन आईडी खरीदना पड़ेंगे तभी आप यूज़ कर पाएंगे इसे। एंड जूम टू रूम यहाँ पे हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हमारा क्रोम यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे हम क्रोम में क्या क्या यूज़ कर पाएंगे, तो यहाँ पे तो इसे कैंसिल कर दिए है, आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डालते हैं यूट्यूब सबकी मनपसंद वेबसाइट, और मेरा मतलब यह है कि वर्क कैसे कर रहा है मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ इसको। और यहाँ पे करेंगे आनंद मास्टर, ऊपर मेरा चैनल आ गया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो ऑलरेडी गाइस मैं ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, पहले ये वीडियो देखिए कि कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और आप इजीली उसके बाद यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से इस विंडो को सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, पहले मैंने बताया है एंड आफ्टर दैट ये आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर। तो आपने नहीं देखी तो आप वीडियो लिंक पे जाएं और सबसे पहले आप ये वीडियो देखें क्योंकि बहुत ही जरूरी है, उसके बाद आप ये वीडियो को समझ पाएंगे कि कैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ विंडोज। और कोई सी वीडियो आप चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस पर। एंड यहाँ पे हम कैंसिल लमसम आपकी प्राइवेट विंडो बिल्कुल रेडी हो गई है यूज़ करने के लिए। और मैंने आपको कहा था कि हम डबल इसमें डबल विंडो कैसे यूज़ करेंगे, तो इसे मिनिमाइज कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम विंडो 10 एंड ओपन करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम, तो हमने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें विंडो 7 लिख देते हैं कि जो हमें याद है। तो यहाँ पे हमारे विंडो 7 और विंडो 10 जो चल रही है रनिंग में है यहाँ पे, वैसे देख सकते हैं कि विंडो 10 को हम इजीली यूज़ कर पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पे मेरी विंडो 10 ऑलरेडी जो विदाउट विचुअल है वो चल रही है एंड इसी के साथ यहाँ पे हम फुल स्क्रीन करके, यहाँ पे आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं और इजीली कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वैसे आपने मेरी प्रीवियस विंडो नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है विंडो 7 की, तो उसे जरूर देखिएगा क्योंकि आप उसे एज कंपैरिजन बात करूँ तो विंडो 10 के विंडो 7 अच्छी चलेगी, आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, ज़्यादा अगर एप्लीकेशन एक्सेस करती है और सभी लोग जानते हैं विंडो 7 अच्छी है, एक्टिवेट नहीं भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, क्योंकि ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ने उसे ब्लॉक कर रखा है हर जगह से। आप जब तक यूज़ कर रहे हैं तब तक करिए, नहीं तो दोबारा इंस्टॉल कर लेना, 10 से 15 मिनट लगते हैं इसलिए। गाइस मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो गाइस ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा मुझे। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको रिलेटेड टू वीडियो, आप वीडियो के कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम रही है, और कोई अनदर आपकी कोई एडवाइस हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के कि हाँ कि आपको ये सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करके दिखाना चाहिए, क्या आप ये विंडो इंस्टॉल करके दिखा सकते हैं सॉफ्टवेयर में, क्या आपने सच में एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाई। तो इस टाइप के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं, तो आप वीडियो की कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, और पॉसिबल हुआ तो मैं जल्द से जल्द आपका सोल्यूशन सॉल्व आउट करने की प्रॉब्लम शूट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।